उत्तर प्रदेश लखनऊ में कांग्रेसियों को प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि महिला उत्पीड़न के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे 30 कांग्रेसियों को शांति भंग में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर योगी सरकार के खिलाफ गुरुवार को परिवर्तन चौक से विधानसभा तक प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन परिवर्तन चौक पर ही पुलिस ने घेराबंदी कर कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोक लिया और हिरासत में ले लिया था। इस दौरान झड़प भी हुई। जिन कांग्रेसियों को जेल भेजा गया है उनमें महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रकाश त्रिपाठी भी शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर कार्यकर्ता आज परिवर्तन चौक से विधानसभा तक मार्च कर प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन करने आई महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा जबरन उन्हें गाड़ी में बिठाया जाने लगा। पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने लगी। पुलिस के द्वारा जबरन महिला कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बैठाकर वहां से हटाया गया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए परिवर्तन चौक पर पुलिस बल लगाया गया है। प्रदर्शन में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल होने पहुंचे थे। या आपको ये भी बता दें कि शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा ने 15 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले वे 2010 में भी कांग्रेस में शामिल हुई थी। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।